बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पहली दफ़ा जामिया सिद्दीकिया बहावलपुर के इस पेज से लाइव आने की सआदत हासिल हो रही है। रमज़ानुल मुबारक की इब्तदाई अजाम है, पहला रोज़ा है और अफ्तार का वक़्त भी करीब आ रहा है। तो ऐसे में जबकि हर तरफ लॉकडाउन भी है और सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, तो महाफिल नात का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है, बल्कि हमारे बहुत ही मुशफ़िक व मुरब्बी हज़रत मौलाना कारी गुलाम यासिन सिद्दीकी साहब दामत फ़य्यूज़ुहुम ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो उनके जामिया का है उसके ऊपर महाफिल से जाने का ये जो सिलसिला शुरू किया है, यकीनन ये काबिल तहसीन है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सब को अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाए और ये जो वबा पूरे दुनिया में, पूरे आलम में फैली हुई है उससे हम सबको बचाए और उससे हमारे मुल्क पाकिस्तान को नजात अता फरमाए। बहुत से मोहब्बत करने वाले साथी जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं और जिस तरह के ये एक मुकम्मल तरतीब है जो पूरे रमज़ान मुबारक में चलेगी, तो बहुत ही खूबसूरत तरतीब और बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने जो नज़म बनाया पूरे महीने का, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। इसमें अजीज़म हजरत कारी लईक ज़ाहिर साहब और बरादरम शोएब सिद्दीकी साहब, इन दोनों हजरात की बहुत सी काविशें हैं जिनकी वजह से आप ये स्क्रीन आज मुलाहिजा कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, और मेरा आप तक आने का एक जो कहते हैं वसीला जो वो बने हैं और उन्होंने एक ये तरतीब बनाई है, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं कलाम का आगाज हमदे बारी ताला से करना चाहूँगा। एक बहुत ही खूबसूरत हमद है, उससे आगाज करते हैं। शायर कहता है, खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है, मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। और सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी, सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सखी गदा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। शायर कहता है कि मेरी मट्टी मदीने पा की रग में बिछा देना, मेरी मट्टी मदीने पा की रग में बिछा देना, कहाँ ले जाएगी उसको, कहाँ ले जाएगी उसको, मदीने की हवा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने।
मोहम्मद का खुदा जाने। और बहुत ही काबिल गौर शेर और अकीदे का शेर है। शायर कहता है, कहा जिब्रील ने सिदरा तलत मेरी रसाई है, कहा जिब्रील ने सिदरा तलत मेरी रसाई है कितनी मंजिले आगे, है कितनी मंजिले आगे, नबी जाने खुदा जाने खुदा की अजमते क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। और हमें तो सुर्ख रूह होना गया था कि अदालत में, हमें तो सुर्ख रूह होना है आका की अदालत में, जमाने का है क्या आनसे, जमाने का है क्या आनसे, बुरा जाने भला जाने खुदा की अजमते क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। बहुत से हजार यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत से जाने पहचाने नाम भी हैं, लेकिन माजत खा हूँ कि कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं ठीक से देख नहीं पा रहा कि कितने अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिन जो अहबाब मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं उनको भी मोहतरम जनाब मोहम्मद अबू बकर अशरफ मदनी साहब हमारे साथ हैं, कारी नईक साहब हैं, और हमजा अब्बासी साहब, बहुत ही प्यार करने वाले भाई हैं जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और फिक्रे उम्मत शुएब सिद्दीकी साहब, वो माशाल्लाह उन्होंने कमेंट किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा मीडिया सोसाइटी के सदर हैं मोहम्मद तासीर हैदर, उन्होंने भी किया है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम जनाब सुहेल सिद्दीकी साहब, बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही मोहब्बत फरमाते हैं, उन्होंने भी हौसला अफजाई की है, बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। तो मैं एक और कलाम इंशाल्लाह आप हजरात के सामने पेश करता हूँ एक दफ़ा, तमाम हजरात क्योंकि अफ्तार की घड़ियाँ करीब आने वाली है, तो इबादत तो किसी भी वक्त मुसलमान के लिए की जा सकती, मुसलमान कर सकता है, तो एक दफ़ा तमाम हजरात मोहब्बत से, अकीदत से और एहतराम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद सलाम जो है वो पेश करता हूँ। शायर कहता है, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سید معوض علی کاظمی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً کچھ اظہار بھی فرمائیں گے، میں ان کا شکر گزار ہوں، میری ملاقات تو ان سے نہیں ہوئی، البتہ ان کو کون نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، मेरा नात लिखना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है, मेरा नात लिखना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़ भी काम आ गया है, नात लिखना भी काम आ गया है।
मोहम्मद का नाम आ गया है, मेरा नात लिखे ना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़े ना भी काम आ गया है। और शायर की बहुत ही खूबसूरत तमन्ना है, शायर कहता है, आप तमाम हजरात भी आमीन कीजिएगा, कहिएगा ताकि आप भी इस दुआ में शामिल हो जाए। शायर कहता है, आप सभी हजरात के लिए भी है, शायर कहता है, तमन्ना के महशर में आका से मेरे मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो, मुझे देख कर ये हमें देख कर मुझे देख कर ये फरमाए आका के वो देखो मेरा गुलाम आ रहा है, मेरा नात लिखे ना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़े ना भी काम आ गया है, लबों को मेरे चो मिथे हैं फरिश्ते, जुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है। और शायर का तखय्युल देखिए, शायर कहता है कि मैं महशर में ना नबी पढ़ रहा था कि लियाकत फरिश्तों ने मुझे बुलाया, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि उनके करम से मेरे हाथ को सर का जाम आ गया है, मैं क्या देखता हूँ के उनके करम से मेरे हाथ को सर का जाम आ गया है, मेरा नात लिखे ना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़े ना भी काम आ गया है। और सहाबा के दीवानों, शायर कहता है कि नबी के सहाबा की अजमत ना पूछो कि मदहा सदा है खुदा का ये कुरआन, ये अंदाज मदहा सराई का अते है, ये अंदाज मदहा सराई का अते है, खुदा की कसम मेरे काम आ गया है, मेरा नात लिखे ना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़े ना भी काम आ गया है, लबों को मेरे चो मिते हैं फरिश्ते, जुबा पर मुहम्मद का नाम आ गया है। कह रहे सुभान अल्लाह, तमाम हजरात मोहब्बत फरमा रहे हैं, ये कुछ नए साथी भी तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद खुरम है, इन्होंने मैसेज किया है, और अभी एक दो मैसेजेस मुझे वैसे भी मौसूल हुए हैं। कह रहे हैं कि जी नात सुनाए कि वो जिसके लिए महफिले कौनैन सजी, मैं पेश करता हूँ। शायर कहता है, वो जिसके लिए महफिले कौनैन सजी है फिरदौस से बनी जिसके वसीले से बनी है,
वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मकी की मदरी जुल्लरबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही खत में रसूल है, मखदूम मुरबी है वही वाली कुल है। अहमद है मुहम्मद है वही खत में रसूल है, मखदूम मुरबी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। और वो जात के जो मजहर लोला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है, वो जात के जो मजहर लोला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। अकसाम इमामती अकसाम इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। और अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदर के मनसूबे है जी सेवा रफाना लक जिक्र के, वो जात के जिसका कुरआन में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। कह दे सुभानअल्लाह। तो गर्मी की भी शिद्दत है, कुछ बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से, और क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब है, गला भी इस कदर इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक कलाम है कोई भी, वो एक आपके सामने पेश करता हूँ और फिर उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह हमारी इसी पेज के तवस्सुत से मुलाकात होती रहेगी, और मजीद भी किसी जगह पे अगर हुआ तो इंशाल्लाह जरूर हमारी मुलाकात होगी। शायर कहता है, बहुत ही खूबसूरत कलाम है, शायर कहता है, सामने हो अगर रुखे खैरुल बशर, बहुत ही हसीन तखय्युल। शायर कहता है, सामने हो अगर रुखे खैरुल बशर, सामने हो अगर रुखे खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा, फिर इबादत का कितना मजा आएगा, दिल में है या रिजो वो जो हो रो बरो, फिर तिलावत
का कितना मजा आएगा, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। और बोले इब्ने अली करबला में सुनो, बोले इब्ने अली करबला में सुनो, घर लुटाना घटाना भी है, घर लुटाना भी है, सर कटाना भी है। जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रुखे खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है या रिजो वो जो फिर तिलावत का कितना मजा आएगा, बत का कितना मजा आएगा। आखिर में एक और कलाम मेरे कायदे साहब साहब कह रहे थे आपने और भी पढ़ना है, तो मैं आखिर पे बस एक और कलाम पेश करके बिल्कुल उसका एक शेर और आपसे इजाजत चाहूंगा। शायर कहता है, बहुत ही खूबसूरत कलाम है, कि जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। और शबे मेराज आका बैठ जाए जब सवारी पर, तो फिर वापिस पलटने तके, तो फिर वापिस पलटने तके, जमाना ठहर जाता है, तो फिर वापिस पलटने तके, जमाना ठहर जाता है, जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है, बेगाना ठहर जाता है। मैं पूरी लाइफ के दौरान कोशिश करता रहा हूँ कि आप हजरात के मैसेज भी पढ़ लूँ, लेकिन नहीं पढ़ सका जी। मलक हसीब साकिब साहब बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हैं पंजाब कॉलेज, वो भी देख रहे हैं। मोहम्मद शाबान साहब दीपालपुर में नामवर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और यकीनन जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं सहाफी कहते हैं वो हैं, और भी हजरात हमारे साथ देख रहे हैं। और मलक हसीब साकिब साहब ने हौसला अफजाई भी की है, मैसेज भी किया है, बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। और एक और ऐलान सुन लें ये जहाँ जाने से पहले, कि आज इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी पेज पे बाद नमाज तरावी 10:30 बजे भी प्रोग्राम होगा। ट्रांसमिशन का अलबत्ता मुझे उसके बारे में अभी पता नहीं है कि वो किस तरह का होगा, पेज पे उसकी बकायदा तफसीलात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आज की ट्रांसमिशन को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आप हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, ये यकीनन आप घर में बैठकर देख लेना ही तशरीफ लाने से कम नहीं था। आपकी तरफ से हमारे लिए
हौसला अफजाई के लिए इतना ही काफी है। भाई शुएब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि एक और पढ़ दें, मैं एक और कलाम भी यकीनन पढ़ देता। इस वक्त मेरा शायद इंटरनेट नहीं साथ दे रहा, या क्या मसला है कि मैं आप लोगों से सही तरह मुखातिब भी नहीं हो पा रहा। बहरहाल फिर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर जमाना कलाम, उसका एक शेर पेश करूंगा। उसके बाद जैसे ही ये नात खत्म होगी, संगीत ट्रांसमिशन का इख्तिताम हुआ, शायर कहता है, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को गम मते लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को गम मते लाए अनवार बनाए हुए हैं, और कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को गम्मते लाए अनवार बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा। इफ्तार के वक्त जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए, मुझको भी याद रखिएगा, और इसमें तमाम आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को, जो कि कोरोना वायरस की वजह से की वबा की लपेट में है, उन सब के लिए दुआ को मैं जरूर, उन सबको शामिल कीजिएगा, और मुझे भी खसूसी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।